प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं का जो पाठ 12 है कंचा, उसका जो भाग 5 है उसे पढ़ेंगे। भाग 4 में हमने पढ़ा था कि अप्पू स्कूल की फीस जमा ना करवा के उसे अपनी जेब में रख देता है और छुट्टी होने पर घर चला जाता है। अब देखते हैं उससे आगे वह उन पैसों का क्या करता है जो उसने फीस के लिए 1.5 रुपए घर से लाए थे, उन पैसों का उसने क्या खरीदा। अब अप्पू इस समय कंचे की दुकान पर है जहां कंचे जार में रखे हुए हैं और वह स्कूल जाते हुए उन्हें देखकर खुश होता है। अब आगे पढ़ते हैं। बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे, तुम्हें कितने कंचे चाहिए? जब अप्पू दुकानदार से कंचे के बारे में पूछता है कि क्या ये कंचे अच्छे हैं, तो उस समय दुकानदार जो है उसकी गुणवत्ता का एक तरह से जिसको बखान या प्रशंसा करते हुए कहता है कि ये बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास मतलब बहुत बढ़िया कंचे है। कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने? उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे हैं। देखिए वो जो फीस के पैसे हैं अब उनसे वह कंचे खरीद रहा है। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, चौंका मतलब हैरान हो गया। इतने सारे पैसों से सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। रकम यानी कि राशि या पैसे। 1 रुपया जो 50 पैसे के कंचे किसी भी बच्चे ने नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? दुकानदार पूछता है अप्पू से कि इतने कंचे खरीद कर क्या करोगे? वह मैं नहीं बताऊंगा। अप्पू देखो कहता कि मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। धीरज मतलब धैर्य, उसका धैर्य समाप्त होता जा रहा था। उसे तो लग रहा था कि कब मैं कंचे खरीदूं, कब मैं इनको अपने हाथों से स्पर्श करूं, क्योंकि अभी तक उसने उन कंचों को जो हरे और सफेद धारियों वाले या लकीरों वाले जो कंचे थे केवल जार के बाहर से ही उन्हें देखा था। उसने हाथ फैलाया मतलब कि अब तो दे दो, मांग की, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा, अप्पू भी हंस पड़ा। कागज की पोटली, पोटली यानी कि छोटी गठरी जिसको हम बोलते हैं, छोटी थैली भी बोल सकते हैं, कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिला कर देखा। वह हंस रहा था, उसका जी चाहता था, काश, काश मतलब जैसे हम इच्छा की सूचना देते हैं कि काश आज मुझे घर में कोई अच्छी सी मिठाई खाने को मिल जाए या अच्छा सा खिलौना मिल जाए। काश जब हम लिखते हैं तो इच्छा की सूचना, जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पर। उसका जी चाहता था, जी यानी कि मन, काश पूरा जार उसे मिल जाता। अब उसकी इच्छा क्या थी? अंदर से जो इच्छा की सूचना आ रही है मन से कि जो जिस बर्तन में, बड़े कांच के बर्तन में वह कंचे रखे थे, दुकानदार कहते उसे पूरा का पूरा अप्पू को दे देता, यह वह सोच रहा है। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे
कंचे के छूने का एहसास होता, ऐसा अनुभव होता। एकाएक उसे शक हुआ, शक मतलब संदेह हुआ, शक हम कल भी पढ़ चुके हैं पिछले भाग में, क्या सब कंचों में लकीर होगी। अब उसे क्या संदेह मन में, क्या भ्रम हो गया कि ऐसा तो नहीं कोई बिना ही लकीर वाले कंचे हों। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। अब उसने क्या ठान ली, निश्चय किया मतलब ठान लिया कि मैं इन कंचों को खोलूंगा और देखूंगा कि क्या इन सब में लकीरें हैं या नहीं। बस्ता नीचे रखकर, जैसे चित्र में भी देखो सामने दिखाया है, वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। बच्चों चित्र में भी हम देख रहे हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया है, वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। एक दो तीन चार, इसी तरह से उसने गिनती आरंभ कर दी। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी, वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था। मगन यानी कि लीन था, मस्त था, उसे कोई ध्यान नहीं था कि सड़क में गाड़ी भी आ रही है। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। अब मुहावरा ये कच्चा खा जाना एक तरह से बहुत गुस्सा होना, इतना अत्यधिक क्रोध आया ड्राइवर को कि उसे लगे कि मैं इसे आज मार दूं या कच्चा ही खा जाऊं, इतना गुस्सा आ रहा था उसे। उसने बाहर झांक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठा कर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। अब देखो जैसी उस अप्पू की सोच रही, वह कंचे को देख कर खुश हो रहा है, उसी को ही इकट्ठा करने में लीन है, वैसी ही सोच वह ड्राइवर के प्रति भी रख रहा है। वह क्या सोच रहा है अप्पू, कि शायद ड्राइवर ने जो कार रोकी है या मोटर रोकी है उसका कारण कंचे का अच्छा लगना है, जबकि ऐसा नहीं था। अप्पू बीच सड़क में था और सड़क बंद हो गई थी, कार आगे नहीं बढ़ सकती थी जब तक अप्पू सड़क के बीच से हट नहीं जाता था। तो बच्चों ये हमने इसका पांचवा भाग पढ़ा कि अब अप्पू ने पांचवे भाग में क्या पढ़ा हमने कि आज उसकी जो इच्छा थी कंचे खरीदने की वो पूरी हो गई। लेकिन वो इच्छा उसने कैसी पूरी की कि 1.50 रुपये फीस का ना देकर उसने उन पैसों से कंचे खरीदे। और घर जाते समय उसे मन में वहम हो गया, शंका हो गई कि कहीं मुझे दुकानदार ने लकीरों वाले कंचे दिए हैं या नहीं, इसलिए उसने बीच रास्ते में ही कंचे की पोटली खोल डाली और वह पोटली पूरी सड़क पर बिखर गई और सामने से उसे गाड़ी आने का भी पता नहीं चला। इस बात का भी उसे आभास नहीं रहा कि मैं बीच सड़क में बैठा हूँ और कंचे को चुन रहा हूँ, गाड़ी भी आ सकती है। वह इतना मस्त हो गया, इतना लीन हो गया कि कंचे देखकर वह सब कुछ भूल गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि खेल के साथ साथ हमें अन्य कामों में भी आगे बढ़ना है और अपना भी ध्यान रखना।